दोस्तों स्वागत है गार्डनिंग के ऊपर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो टेरेस गार्डन के ऊपर नहीं होने वाली। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि पंजाब में जो गांव में घर होते हैं वहां पर लोगों ने कैसी गार्डनिंग की होती है, अपने गार्डन में क्या लगा रखा होता है। आज हम अपने नानके गांव में दोस्तों आए हैं। कहने का मतलब है कि हम अपने मामा के गांव में आए हैं। हम आपको घर दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने घर में ही छोटी छोटी क्यारियां बनाकर सारी जो सब्जियां हैं या और चीज़ें नित यूज़ की जाती हैं वो लगा रखी हैं। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। आप देखिए, पहले आप सारा देख सकते हैं कि देखिए ये सामने घर है और नीचे देखिए इस साइड में इन्होंने क्यारियाँ बना रखी हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए क्यारी में यहाँ पर उन्होंने गन्ना लगा रखा है। आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि हमने गन्ने को छत पर लगा रखा है। तो ऐसे बड़े आंगन होते हैं पंजाब में ज़्यादातर गांव वाले घरों में। तो आप देख सकते हैं गन्ना यहाँ पर लगा हुआ है। इसके बाद देखिए एक क्यारी यहाँ पर बनी हुई है जहाँ मेथी और धनिया इसके बीच में लगा रखा है। आगे आप देख सकते हैं पालक भी यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों ये देख सकते हैं हमने अपनी छत पर एक ये वाला पेड़ नहीं लगाया, आम का पेड़ यहाँ पर घर में ही लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा है जो कि इसकी छोटी हाइट है और इसकी प्रूनिंग भी कर रखी है। दोस्तों यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ अमरूद का पौधा भी इन्होंने लगा रखा है इसी बीच में। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर लगी हुई। एक बात तो तय है कि जो चीज़ें नीचे ज़मीन पर जितने बढ़िया ढंग से हो जाती हैं वो छत पर उतने बढ़िया ढंग से नहीं हो पाती। अगर होती भी हैं तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको दो तीन घरों के आंगन वाले गार्डन दिखाऊंगा कि कैसे छोटे से छोटे पौधे से लेकर बड़े से बड़ा पेड़ भी आंगन में लगा हुआ है। आप इस तरफ देख सकते हैं जामुन का भी यहाँ पर पौधा लगा हुआ है। यहाँ दोस्तों मेरे पीछे देखिए पपीता है और यहाँ देख सकते हैं कि पौधे को देखिए ऐसे हम ग्रो बैग्स की बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि ऐसे बोरे में दोस्तों बोरे से बनाकर गमले को तो इसमें पौधा लगा रखा है। आप ऐसे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आगे चलिए, आगे मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए इनके दो तीन प्लांट्स कीनू के हैं। यहाँ देख सकते हैं एक कीनू यहाँ पर है, दो कीनू यहाँ पर लगे हैं। यहाँ देखिए कीनू यहाँ टूटकर गिरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये घर में ही पका हुआ कीनू है। आप देखिए यहाँ पर कितने कीनू के प्लांट्स इन्होंने अपने आंगन में लगा रखे हैं। थोड़ा सा दोस्तों आगे चलते हैं, इस तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों इस तरफ देख सकते हैं कि मिर्च की पनीरी यहाँ पर लगी हुई है जिसको हम पौध कहते हैं हिंदी में। तो अभी इसको जनवरी एंड में लगाना शुरू करेंगे तब बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, अभी ये हो नहीं पाएगी। इसी प्रकार आप देखिए दोस्तों ये एक पौधा है दोस्तों, इसको लोगाट का पौधा कहा जाता है। छोटे छोटे गोल फ्रूट्स इसमें लगते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। ये भी यहीं पर उन्होंने अपने घर में लगा रखा है। यहाँ अमरूद का पौधा है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मूलियाँ वगैरह सर्दियों वाली सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए कि ऐसे लिफाफों से बने गमलों में लहसुन लगा रखा है, देख सकते हैं। अगर आप ज़मीन पर इन चीज़ों को नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे लिफाफों के गमले बनाकर भी उनको लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए ऐसा लग रहा है कि घर में मानो एक खेत ही बना रखा है। देखिए यहाँ पर लहसुन की खेती की है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में पूरा हल्दी का खेत बना रखा है। आप देख सकते हैं कि घर का बैकयार्ड है और यहाँ पर इन्होंने हल्दी लगा रखी है, इस जगह का उपयोग किया है। यहाँ पर कुछ मिर्ची के प्लांट्स हैं दोस्तों, या फिर आगे हल्दी है। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मॉडर्न होने के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि रोटी गैस चूल्हे पर ही बनाई जाए। आप देख सकते हैं ये चूल्हा वर्किंग में है, कोई ऐसे कोई डेकोरेशन के लिए नहीं रखा। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं दोस्तों तंदूर भी घरों में रखे जाते हैं। तंदूरी रोटी किसे पसंद नहीं होती। तो चलिए आपको सामने दिखाएंगे डेकोरेटिव प्लांट्स जो इसी घर में लगे हुए हैं। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी जगह का भी इस्तेमाल पौधे लगाने के लिए किया गया है। इवन कि आप देखिए कि पेड़ भी इसी घर में लगा हुआ है।
तो दोस्तों आप सारा व्यू देख सकते हैं जहां मैंने आपको सारा गार्डन दिखाया। आप देखिए कि घर के बैकयार्ड को पूरी तरह से खेतों में बदला हुआ है। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि डेकोरेटिव प्लांट्स भी घरों में लगाए होते हैं, वो बैकयार्ड था, ये फ्रंट वाली साइड है। तो आप देख सकते हैं टोपियरिया प्लांट यहाँ पर लगा रखा है। इसकी शेप्स आप देखिए कितनी बढ़िया शेप बनी हुई है। देखिए टाइलों के बीच में इसको एडजस्ट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ गमलों में आप देख सकते हैं बोगनविलिया के प्लांट्स लगे हुए हैं दोस्तों। एक यहाँ पर है, यहाँ भी लगाए हुए हैं, आप इसे गमलों में भी लगा सकते हैं। एक चीज़ मुझे और दिखी, देखिए जो आपको मैं गार्डन दिखा के लाया हूँ वहाँ से ये मिर्च तोड़ी गई है। आइए यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स और हैं दोस्तों। इसका नाम मुझे नहीं मालूम क्योंकि ज़्यादा हम सब्जियों वाली वीडियोस ही बनाते हैं, तो डेकोरेटिव प्लांट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें कम है। इसी प्रकार यहाँ देखिए हेज प्लांट्स हैं। यहाँ दोस्तों इस प्लांट को देखें तो बचपन याद आ जाता है, जब हम अपनी पढ़ाई वाली किताबों में इसको रखा करते थे तो एक मिथ थी कि इसे बीच में रखने से क्या होता है कि ज़्यादा विद्या या कह लीजिए पढ़ाई आती है। सो यहाँ देख सकते हैं छोटा सा डेकोरेटिव गार्डन है, बढ़िया घास लगी है, कुछ गेंदे के फ्लावर्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी उनका विचार है कि कुछ बढ़िया लाइन्स जैसे हमने अपने गार्डन में लिखवा रखी हैं कि वैसे ही लिखवाई जाएं, क्योंकि पॉजिटिविटी तो गार्डन से आती ही है, कुछ अच्छी लाइन्स लिखी होती हैं तो उससे भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है। यहाँ पर दोस्तों पाम के प्लांट्स हैं, देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं घर की एंट्री पर। अब दोस्तों हम दूसरे घर में आ चुके हैं, आप देखिए यहाँ पर भी एक छोटी सी क्यारी बनी है। तो सबसे पहले देखिए बैंगन के प्लांट्स देखिए कितने लगे हुए हैं दोस्तों। इन सर्दियों में भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बैंगन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए सामने कड़ी पत्ते का पौधा है दोस्तों, अमरूद का पौधा भी यहाँ पर लगा हुआ है। हम आपको अमरूद का एक और पौधा दिखाते हैं जिस पर बड़े बड़े अमरूद लगे हैं। सबसे पहले आप देखिए जामुन का पौधा भी इसी घर में लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि घरों में जब जगह होती है तो पालक धनिया ये बेसिक चीज़ें वहीं उगा ली जाती हैं। चाहे आप दोस्तों देख सकते हैं घर में सारा ही जो जगह है वो पक्की है, है ना, सीमेंटेड है, फिर भी इतनी जगह रखी जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास इतनी जगह नहीं है तो आप ऐसे ग्रो बैग्स में देखिए यहाँ धनिया भी बीच में उगा हुआ है, लहसुन भी उगा हुआ है, तो आप इन ग्रो बैग्स में भी इन चीज़ों को उगा सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए अमरूद का छोटा सा पौधा है, पेड़ नहीं कह सकते, ये पौधा है। यहाँ देखिए इसके पास कितनी कम जगह है उगने के लिए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों अमरूदों से भरा पड़ा है। आप देखिए कितना बड़ा अमरूद यहाँ लगा हुआ है, इसकी सेफ्टी की है पंछियों से। आप देखिए आप अमरूद का साइज़ दोस्तों देख सकते हैं, ये केवल एक नहीं, यहाँ देखिए एक और यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इन चीज़ों को आप अपनी छत पर भी उगा सकते हैं। अब वैरायटी की बात करें दोस्तों, ये केजी अमरूद है, कहा जाता है कि एक किलो तक का इसका अमरूद हो जाता है। मैं आपको और चीज़ दिखाऊँगा, यहाँ देखिए सीताफल को भी यहाँ लगा रखा है एक ग्रो बैग में। और देखिए हैरान करने वाली बात, यहाँ देखिए दोस्तों नींबू, छोटा सा नींबू है, देखिए कितने नींबू इस पर लगे हुए हैं। दोस्तों नींबूओं से याद आया कि अगर आप पत्तों से ज़्यादा नींबू प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन के रूप में आपको लिंक दिख रहा होगा कि कैसे आप पत्तों से ज़्यादा नींबू पा सकते हैं। अब दोस्तों हम आ गए हैं तीसरे घर में, यहाँ पर क्या क्या लगा है बस वीडियो इसके बाद दोस्तों समाप्त कर देंगे। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बड़े नींबूओं का प्लांट है और फ्लावरिंग दोस्तों इसकी हुई है। अक्सर ही ये हो जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स की क्यों झड़ जाती है, हमने आपको पहले रीज़न भी इसके बताए थे। एक तो ज़्यादा पानी दे देंगे या हद से ज़्यादा कम पानी दे देंगे, ये भी कारण फ्लावर झड़ने का। तेज़ हवा हो सकती है, अगर आप इसमें कम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो भी ये फ्लावर झड़ जाते हैं, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ छोटी सी क्यारी है, आप देखिए यहाँ पर मेथी लगी हुई है, धनिया है, पालक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए इसी आंगन में दोस्तों ये अमरूद का देखिए कितना बड़ा पेड़ लगा हुआ है। ये पूरा दोस्तों अमरूद ऐसी वैरायटी है कि ये पूरा पौधा अमरूद से भर जाता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि आप ऐसे दोस्तों अमरूद को
आपके जिसे कह सकते हैं ना हाथ भर की दूरी पर, हमने पहले भी यहाँ से अमरूद यहाँ से तोड़े थे, तो आप देख सकते हैं कि सारे आंगन में ही ये अमरूद का पौधा फैला हुआ है। दोस्तों एक नहीं है, दूसरा पौधा भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपने आप देखिए यहाँ की जो घर में बेसिक चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हीं घरों में ही उगा ली जाती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ भी कड़ी पत्ता घर में लगा हुआ है। दोस्तों पंजाब में पहले कड़ी पत्ता इतना होता नहीं था, पर धीरे धीरे इसकी वैल्यूज़ पता लगने लगी, मेडिसिनल गुण पता लगे, तो घर घर में ही ये अब लगाया जाने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसी अमरूद के पौधे से इतने अमरूद तोड़े हैं। दोस्तों आप देखिए बहुत मीठे हैं दिखने में, ये थोड़े से ऐसे लगते हैं कि पुराने, पर हमने बिल्कुल ताज़े अमरूद ही तोड़े हैं, उनका बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। गार्डनिंग के ऊपर वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज पर हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक खूब गार्डनिंग कीजिए, खुश रहें, आबाद रहें।